बेहद खास माने जाने वाले आम बजट हो या रेल बजट या संसदीय कार्यवाही के रोजमर्रा के कागजात, भारत का राजपत्र हो या सरकार के गोपनीय दस्तावेज या फिर तमाम मंत्रालयों के नीतिगत कागजातों की छपाई, इस महत्वपूर्ण काम को पिछले 150 साल से अंजाम देता आ रहा है भारत का मुद्रण निदेशालय या कहें सरकारी प्रिंटिंग प्रेस। भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस के इतिहास की शुरुआत होती है 19वीं सदी में 1863 से, जब सरकार ने कलकत्ता में केंद्रीय छपाई कार्यालय की स्थापना की, जिसकी एक इकाई 1872 में शिमला में भी लगाई गई। आज पूरे देश में मुद्रण निदेशालय के नियंत्रण में 16 प्रेस काम कर रहे हैं, जिनमें 3 टेस्ट बुक प्रेस भी शामिल हैं। लेकिन जीवन के तमाम क्षेत्रों के साथ साथ प्रिंटिंग की दुनिया भी बिल्कुल बदल गई है, और ये बदलाव गुणवत्ता, तकनीक और क्षमताओं को लेकर भी चुनौतियां लेकर आया है। इफ द प्रिंटिंग प्रेसेस, द डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग हैज टू नाउ लुक एट इट्स 175th ईयर, आफ्टर 150 इयर्स इट मस्ट लुक एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी हैज टू बी टू अब्सॉर्ब, टू अडॉप्ट एंड अडैप्ट टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। आधुनिकीकरण से लेकर वित्तीय दबाव, नए कलेबर में ढलने से लेकर डिजिटल युग से पहचान उतनी ही बड़ी समस्या है। It's only 10-20% of the entire government job. So if we can modernize all the presses and if we can get at least 60-70% of the government job and if we can do it, obviously it will be a great, great honor for us. Not only honor, more revenue will come to us and we can do very well. No profit, no loss की तर्ज पर काम करने वाले सरकारी प्रेस जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं, लेकिन राजस्व उगाही चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं कामगारों की खाली पड़े पोस्टें भी गुणवत्ता पर अपना असर तो डालती ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, और हम लोग का प्रयास है कि जैसी भी संख्या बढ़ सकती है और जैसे नए अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे भी हो सके उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। कोशिश इस बात की हो रही है कि जल्दी से जल्दी प्रशिक्षण और तकनीकी विकास के साथ साथ राजस्व बढ़ाया जाए, तभी इतिहास और वर्तमान को अपने में समेटे सरकारी प्रेस भविष्य की इबारत भी लिखेगा। ओम प्रकाश दास, DD News.